वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों, आप वीडियो देखकर समझ जाओगे कि हम कहाँ चढ़ने वाले हैं। ये हमारी प्राकृतिक झरना है, जो हमारे मतलब गांव ये है विलेज, तो वहाँ से पास में नदी की पहाड़ पड़ता है, उसके ऊपर प्राकृतिक जलपात्र बना हुआ है, मतलब कि झरना टाइप में बहता है। तो हम जा रहे हैं दोस्तों के साथ में। हाय गाइस, तो आप देख सकते हो कितनी हाइट पे हम चढ़ चुके, और ये ओनली 5 मिनट में चढ़े हैं। अब यहाँ से हम चढ़ाई करेंगे, मतलब आधे पहाड़ में चढ़ चुके, अब आधे पहाड़ में और चढ़ेंगे 5 मिनट और 10 मिनट, मतलब 600-700 मीटर चढ़ गए। चलते हैं दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना। तो दोस्तों, हम हमारे दोस्तों के साथ मतलब चिड़ीकुंड जा रहे हैं। हमारे गांव से मतलब तकरीबन 500-600 मीटर की ऊंचाई पर पहाड़ है, उसके ऊपर झरना टाइप में बहता है, वो प्राकृतिक जलपात्र बोल सकते हैं हम। तो वहां नहाने के लिए जा रहे हैं दोस्तों के साथ में, और बहुत ही सुंदर नज़ारा आप देख सकते हैं यहाँ पर, कितना अच्छा मौसम लग रहा है। और अभी हम चढ़े हैं, तो आप पसीने से अनुमान लगा सकते हैं कि कितना इसमें चढ़ने में कितनी मेहनत लगती है। और सामने बैठे हैं हमारे भाई कैमरामैन कार्यकर्ता अंकेश मीणा, इसके बैठे बैठे पसीने पहुंच रहे हैं। तो दोस्तों, हम मतलब चढ़ाई हमने चैलेंज किया था कि हम ये 600-700 मीटर की ऊंचाई है, इसको 20 मिनट में पार करेंगे, और अभी पूरे 13 मिनट हो चुके हैं, और अभी 200 मीटर की दूरी बाकी है। 200 मीटर की और दूरी है, देखते हैं साथ में जा रहे हैं, नहीं पहुंच पाते। 20 मिनट में चैलेंजिंग पूरा होगा, जाते हैं। तो हम थैंक यू, वीडियो ये एक नंबर आ रही है। तो दोस्तों, फाइनली हम मतलब कुंड की तरफ जा रहे हैं, चिड़ी कुंड बोलते हैं, जो झरने टाइप में बहता है, और बहुत बड़ा कुंड है, मतलब कि फ्री निःशुल्क। ये दोस्त देख काफ़ी मज़ा ले रहे हैं, मतलब कि 600-700 मीटर की ऊंचाई चढ़ के जो मज़ा आता है वो अलग ही है भाई। चिल्ड ब्रो, चिल्ड। और खाटूने आ रहे हैं भाई साहब, जो भी जानते हैं वो खाटे बोलते हैं हमारे साथ। और आपकी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, तो आइए मेरे साथ चिड़ी कुंड की खोपड़ी में खेत करने के लिए। ये भाई साहब गौरव सर है, उसका पहन है ये हरदम बेस, खोपड़ी में छेद, खोपड़ी में छेद। तो आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो दोस्तों, काफी मजा आएगा, ऐसी बात नहीं है, लोग एक नंबर जाएगा ये लोग। रेलवे पार, दोस्तों ये जो जंगल है, ये सरिस्का का जंगल है, इसमें मतलब एक दो साल पहले बघेरा, बाघ वगैरह, टाइगर वगैरह सब छोड़ दिए हैं, गवर्नमेंट एक्शन में इस टाइम। अब आप देख सकते हैं कि मतलब मेन सरिस्का के अंदर हम किस प्रकार से जा रहे हैं, तीन दोस्त साथ मिलकर, मतलब टाइगर का सामना करके फिर भी हम जा रहे हैं प्राकृतिक जलपात्र की तरफ। तो फाइनली हम जो वो जो प्राकृतिक झरना टाइप में है, वो झरना में कंप्लीट आ पहुंचे हैं। अब दोस्त मतलब अंदर भी गए, कितना अच्छा नज़ारा है, सरिस्का, मेन सरिस्का का ये जंगल है। और आप देख सकते हैं कितना मतलब यहाँ एक दो साल पहले टाइगर वगैरह, चीता वगैरह जो भी है, सब कुछ जानवर छोड़ दिए, फिर भी हम उन जानवरों का सामना करते हुए सरिस्का के अंदर आए प्राकृतिक झरना टाइप के देखने के लिए। और दोस्तों, ये यहाँ तो झरना निकला है, और अंदर और भी इधर को जाएंगे, मतलब आगे की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे मतलब कुंड टाइप में है, जो फ्री से निःशुल्क स्विमिंग पूल बोल सकते हैं अपन। भाई साहब यही है वो चिड़ी कुंड, सभी दोस्तों को ये चिड़ी कुंड देख सकते हैं आप सब। तो भाई साहब, वो आज मतलब ये जो भी ट्रिप थी हमारी, मतलब छोटी या बड़ी ट्रिप कोई सी भी मान सकते हैं आप, जैसी भी ट्रिप, मतलब ये एक अच्छी ट्रिप थी हमारे लिए। अभी तक जो भी व्लॉग डाले हैं हमें, सबसे बेस्ट ट्रिप हमारी यही है व्लॉग की, जो हमने आपके बीच में साझा की है। रतनपुरा में आवा आयो भाई, मेरा आंट तो नहीं दिख रहे, मेरा आंट और दिखे वाले दिवाली पहले गाने जब पे चल रहे हैं क्या, हम ये लंबी है निकालो, हमारी ले ले यार, एक और
दोस्तों आप देख सकते हैं कितना अच्छा प्राकृतिक जल स्रोत बना हुआ है। अब ला भाई की वीडियो बुला। ये हमारे दोस्त है सुरेंद्र मिश्रा, इंजीनियर सुरेंद्र मिश्रा, इंजीनियर सुरेंद्र मिश्रा जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल ब्रांच है बीटेक, और वो हमारे आप प्रेजेंट बोल सकते हैं गुटा था गुटा चाप बोल सकते हैं। अभी तो भाई साहब ग्रेजुएशन में उसने एडमिशन लिया है, लेकिन जो चड्डी है ना उसकी पापा की चड्डी पहन के आया है वो भाई। तो ये कितना अच्छा प्राकृतिक जल स्रोत है आप बता सकते हैं कि मतलब आपको पसंद आया है या नहीं आया है, कमेंट बॉक्स में जरूर मतलब कमेंट करना प्यारा सा। ये प्राकृतिक जल स्रोत हर किसी के गांव में देखने को नहीं मिलता, लेकिन जो भी मतलब पहाड़ी इलाकों के आसपास रहते हैं वहां पे अवश्य सबको मिलता है। हाय दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के इस व्लॉग के अंदर हमने आपको जो भी सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से दिखाया है, जो आपको पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर देना। तो दोस्तों ये था प्राकृतिक जल पात्र, जो मतलब शेविंग पूल में जो अपन 150-200 रुपये या फिर 500 रुपये जो भी काटते हैं उनसे तो 100 गुना बेस्ट है। मतलब किसी भी प्रकार का कोई केमिकल वगैरह नहीं है, बहुत बड़ा वा जल पात्र है। ऊपर को मंदिर वगैरह बना है, मतलब हनुमान जी का, जय श्री राम भगवान का और महादेव जी का, बजरंग बली का, मतलब मंदिर ऊपर को बना हुआ है। देख सकते हैं ये जो लोकेशन है प्रेजेंट में सरिस का, मतलब कि राजगढ़ के आसपास जो भी लोकेशन है सरिस का की, उस लोकेशन को कैप्चर कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो में आप जब तक बने रहे, जब तक लव यू शुआ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना अच्छा ऊपर को मंदिर बना हुआ है, ये महादेव जी का मंदिर है। इधर को मोर वगैरह, जंगली जानवर सब कुछ आते हैं, टाइगर वगैरह, चीता वगैरह जो भी है। ये श्री राम भगवान का मंदिर है, ये बजरंग बली का मंदिर है। हनुमान जी का मंदिर है ये, इधर को श्री राम भगवान का मंदिर है। बाबा ये महादेव जी का मंदिर, इधर को श्री राम भगवान का। दोस्तों इतनी नीचे है ये पहाड़ से मतलब विलेज, अब तुम देख सकते हो आइडिया लगा लो कितनी ऊपर चढ़े हम। ये रास्ता जा रहा है, कच्चा रास्ता है, इधर से उतरेंगे और ये विलेज है, माई विलेज। चारों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ गांव है हमारा, रतनपुरा गांव बोलते हैं, प्यारा सा गांव है, छोटा सा गांव है। मतलब यहाँ से नज़दीकी स्टेशन है, हाईवे है, सब कुछ सुविधा है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है।